नीट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और पोस्टकार्ड साइज के फोटोग्राफ्स इसमें लगने हैं। ये दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको कैसे इसको बनाना है वो हम आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से आप उसको समझिएगा। इसमें दो तरह के फ़ोटो आपको तैयार करने हैं। पहला तो एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स है। पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो है उसका जो साइज होना चाहिए वो है 2 इंच इंटू 2 इंच। इट मीन्स आपका लेंथ में भी 2 इंच होना चाहिए और जो उसका विड्थ है वाइड वो होना चाहिए वो भी 2 इंच होना चाहिए। जब आप इसको फोटोग्राफ्स जो है आप स्टूडियो से खींच लेते हैं अपना, उसको प्रिंट करा के लेके आते हैं, तो उसका जो बाद में आप डिजिटल फॉर्मेट में उसको लेके आएंगे, जिससे कि आप जो है एप्लीकेशन जब आप ऑनलाइन भरते हैं और उस एप्लीकेशन में उसको अपलोड करना है, तो उसका साइज होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बीच में ही होना चाहिए, आपको 200 KB से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आपने पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ बनाया है तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि 10 KB टू 200 KB और JPG उसका फॉर्मेट होना चाहिए। और फोटोग्राफ्स की कंडीशन आप देखिए कि वो 1 जनवरी 2024 के बाद या उस दिन लिया हुआ होना चाहिए। या तो आप 1 जनवरी 2024 का फोटोग्राफ अगर आपके पास में है पासपोर्ट, वो भी इसमें चल सकता है, या उसके बाद का लिया होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और इसी में आपने क्या करना, जब पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स आप अपना बनाते हैं तो उसमें कैंडिडेट का नाम, आपका नाम आना चाहिए, उसी के नीचे डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स भी उसमें होनी चाहिए। जिस डेट को भी आपने फोटोग्राफ लिया है वो फोटोग्राफ की उस दिन की डेट उसमें मेंशन होनी चाहिए। और बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उसको अटेस्ट करना है या नहीं। अटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसको अटेस्ट करने की। आप जो लेके आएंगे उसी को उसमें पेस्ट वो उसमें अपलोड कर देंगे। ओके, साइज आपको क्लियर हो गया। और एक फ़ोटो आपको तैयार रखनी है पोस्ट कार्ड साइज की। इसकी जो लेंथ होगी वो तो है आपकी 6 इंच और जो उसकी विड्थ है वो आपका कितना है 4 इंच। इट मीन्स 4 इंटू 6 का वो होना चाहिए। इसमें भी आपको क्या करना है, ये फोटोग्राफ आप पोस्ट कार्ड साइज का तैयार करेंगे और उसको जब आप डिजिटली अपलोड आपको करना है तो उसको आप स्टोर करेंगे किस साइज में, 10 KB से 200 KB इसका भी साइज होगा और फॉर्मेट क्या रहेगा, JPG फॉर्मेट रहेगा। दोनों में आपको ध्यान में रखना है कि साइज दोनों के लिए बराबर ही दिया गया है और फॉर्मेट भी एक ही जैसा दिया गया है। ओके, और इसके साथ में पोस्टकार्ड साइज का जो फोटोग्राफ आप तैयार रखेंगे उसमें कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ ये भी उसमें होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें स्पेक्टिकल्स ग्लास वगैरह पहनना है या नहीं पहनना है। जो बच्चे रेगुलरली ग्लास पहनते हैं, ग्लास ले उसको यूज करते हैं, वो उसको ले करके फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो फोटोग्राफ आप लें उसमें 80% फेस जो है आपका दिखना चाहिए, कवर होना चाहिए, एयर्स जो है क्लियरली विजिबल होने चाहिए, और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पे आपको दिया भी है बैकग्राउंड जो है वाइट ही रहना चाहिए, कोई दूसरा कलर्ड बैकग्राउंड आपको नहीं बनाना है। इसके अलावा पोलरॉइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज़ आर नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, और फोटोग्राफ्स के बिना जो है अगर आप फॉर्म को अपलोड करते हैं तो वो आपका रिजेक्ट होगा। बिना फोटोग्राफ्स के आपको जो है फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाना है, सबमिट नहीं करना है, इसलिए पहले ये फोटोग्राफ्स आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और ये कलर्ड बनाना है फोटोग्राफ,
ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फोटोग्राफ आप कलर बना सकते हैं, और लेकिन उसके पीछे जो है आपका क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है उसका क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें नंबर जो है इन्होंने दिए हैं, नीट ने, एनटीए ने ये बोला है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड 4 to 6 पोस्टकार्ड साइज कलर फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड। आपको जो है पासपोर्ट साइज के 6 से 8 फोटोग्राफ अपने तैयार रखने हैं और पोस्टकार्ड साइज के 4 to 6 फोटोग्राफ आपको तैयार रखने हैं। हो सकता है कि बाद में जब आप एग्ज़ाम दें उस वक्त इसकी ज़रूरत हो, अगर वहाँ पर कहीं पे भी कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि स्टूडेंट को कहीं कहीं अलग अलग जगह पर उसको लगाना पड़े, तो इसलिए इन फोटोग्राफ्स को जो है जो आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करते हैं उस फोटोग्राफ्स के जो है पासपोर्ट साइज़ के 6 से 8 आप तैयार रखें अपने पास में, और पोस्ट कार्ड साइज का जो है 4 से 6 तक आप लोग के पास में होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक कि आपको फोटोग्राफ्स को लेकर के अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर कॉन्सेप्ट।